सलाम नमस्ते, कैसे गाइस। ये हम लोग का डे 3 ऑफ कोकन व्लॉग्स। तो अभी सुबह के 6 बज रहे, हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको जाना है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो मेन में आया था कोकन, इसीलिए कोकन फेमस भी इसीलिए होता है। तो अभी फिलहाल नहाने गया, फिर मैं जाऊँगा। और अभी आपको यहाँ का सुबह का व्यू बताता हूँ। यहाँ का बेड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था, रात में सोने में इतना कम्फर्ट फील हुआ कि क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द मॉर्निंग, स्विमिंग पूल, बीच, कल जहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए थे हम लोगों ने। और बीच देखो, और मैं भी यहाँ पे, मैं तो सुबह उठ गया था 5 बजे ही, और 5 से 6 मैं यहाँ पे आराम से बैठा था, यहाँ पे लेट के बीच को देख रहा था और नेचर के मज़े ले रहा था। अभी अच्छा लगा। अभी चलते हैं फिलहाल अंदर, क्योंकि हमको नहाना है और निकलना है। और हमने एक बंदे से बात किया था जो हमको स्कूबा डाइविंग वगैरह सब कुछ कराने वाला है, पैरा सीलिंग। तो रेडी फॉर वाटर स्पोर्ट्स। अभी 6:30 हो रहे हैं। हम लोग का जो बंदा है जो हम लोग को लेके जाने वाला है सब जगह, वो 7 बजे आने वाला है हम लोग के होटल के इधर। तो अभी आधा घंटा थोड़ा टाइम पास करना है। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाटर स्पोर्ट्स खेलने का। और सबसे पहले पापा आप बोलो सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि लास्ट वीडियो में ऐसा कमेंट आया मेरे को कि पापा को बताओ, पापा को बताओ। तो सबसे पहले पापा को आज आप लोगों को गुड मॉर्निंग पापा से करवाए। वी आर हियर फॉर द स्कूबा डाइविंग। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी स्कूबा डाइविंग का, इधर मैंने टिकट ले लिया है, टिकट आपको बार बार बताता हूँ। तो मैंने जो स्कूबा डाइविंग का टिकट लिया है वो है 1000 का। ये सबसे बेस्ट स्कूबा डाइविंग, ऐसा वहाँ के गाइड ने, मतलब जहाँ पर मैंने टिकट लिया था उन्होंने बोला है। और ये बीच है, तो यहाँ से हमको अंदर लेके जाते हैं 2-3 किलोमीटर, और फिर अंदर स्कूबा डाइविंग होता है। और एक गाइड मेरे साथ हमेशा रहेगा पानी के अंदर। थोड़ा अंदर से नर्वस हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि जो समुंदर को देख के डर लग रहा है, क्योंकि अभी हमको उसके नीचे तक जाने का है। तो देख, थोड़ा नर्वस हूँ पर करना है बिना डरे। इट्स टाइम टू गो फॉर द स्कूबा डाइविंग, देवबाग डीप सी डाइविंग। और ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा पानी, वैसे और अंदर क्लियरिटी पानी है, वहाँ से क्लियर दिखेगा। तो ऐसे बोट में बिठाया जाता है और अंदर लेके जाते हैं। मेरे बैच में टोटल हम लोग 16 पीपल थे इंक्लूडिंग मी। तो पहले तो थोड़ा बहुत नर्वस था, लेकिन बाद में थोड़ा लोगों से बातचीत हुई, इनमें से 2-3 लोगों ने पहले ही किया हुआ था, तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। और बाकी जब जा रहे थे तब ऐसा पानी का आवाज़ सुन के थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था तो जो डर था ना वो कम हो गया था। और फटाफट इंतज़ार था कि फटाफट अंदर पहुँचे और फटाफट करना था स्कूबा डाइविंग। और जो स्कूबा डाइविंग मैंने की थी वो थी 20 फीट्स डीप डाउन द वाटर। और जो कुछ कुछ स्कूबा डाइविंग होते हैं वो 30 फुट, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कर रहे हो। तो जो जहाँ पे मैं कर रहा था वो था 20 फीट्स का, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी फ़िलहाल हम लोग स्पॉट पे बस पहुँचने ही वाले। ये देखो अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे और भी बोट्स दिखेंगे जो स्कूबा डाइविंग के लाते हैं। ऐसे 2 बोट्स लगाते हैं, और हमारे 3 बोट है टोटल, और उनके बीच में ऐसा स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो अभी आपको वो दिख रहा है, ये प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं, और पानी में हमेशा अपने साथ उनका एक बंदा होता है। और ये देखो, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे पीछे लगाए जाते हैं, और सारे इंस्ट्रक्शंस वो लोग देते हैं। मैंने इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, पर अगर आपको इंस्ट्रक्शन जानने हैं तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इंस्ट्रक्शंस वाला वीडियो चाहिए। तो फिलहाल इट वॉज़ माई टाइम टू गो इनसाइड द वाटर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़ा बहुत नर्वस था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से पम्प था कि करना है, और बारी आ चुकी थी, तो लेट्स गो, मज़ा आने वाला है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीं ना कहीं है आसमां, सरसराती हुई थैलियाँ, पत्तियाँ कह रही है बस तुम हो यहाँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। स्कूबा डाइविंग करके आने के बाद एकदम ऐसा लग रहा था, एकदम ना एकांत लग रहा था, मतलब कि सब दुनिया के सारे टेंशन से बाहर, और जितना दूर देखा जा सकता है उतना दूर मैं देख रहा था, समंदर देख रहा था, लहरें देख रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्कूबा डाइविंग पूरे हमारे ग्रुप का हो जाने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े किनारे के लिए, और वापस रिटर्न आते वक्त भी पानी का आवाज़ और लहरों का आवाज़ और
हवा का आवाज़ सुन के इतना अच्छा लग रहा था और एकदम एकांत लग रहा था, और वो कहते हैं ना कि पीस मिल जाता है, ऐसा लग रहा था। और ये चीज़ आपको भी एक बार करनी चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। ज़्यादा मज़ा आया स्कूबा डाइविंग करके, इतना मज़ा आया स्कूबा डाइविंग। अगर आप तारकर ली कभी भी आओ, अगर इसके बिना गए ना तारकर ली घूम के, तो भाई साहब तुम्हारा आना वेस्ट। स्कूबा डाइविंग जो करे, सोचो यहाँ से हमको 3 किलोमीटर अंदर लेके गए थे और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग कराई, जो मज़ा आई ना, माय गॉड, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेरा रहेगा ये। और जब मैं जब भी कोई मेरे को पूछेगा कि भाई कैसा था भाई, मैं आपको यही बोलूँगा करो, फिर पता चलेगा। ऐसे मैं बताऊँगा तो आपको समझेगा नहीं, अभी आपको वीडियो भी दिखाए उसमें भी आपको समझा नहीं होगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस लोगे ना तब वो मज़ा आता है। तो उठो जाओ और करो। सो आफ्टर स्कूबा डाइविंग हम लोग चल पड़े थे सुनामी आइलैंड की तरफ। तो सुनामी आइलैंड में जाने के लिए ऐसा बोट होता है देवबाग बीच से, जो हमको लेके जाता है सुनामी आइलैंड तक। तो हम लोग निकल पड़े हैं सुनामी आइलैंड की तरफ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ऐसा बोट और इतना अच्छा नज़ारा, और ये बोट देखो, हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं, हम लोग बोट में सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं, तो और भी ज़्यादा मज़ा, क्या बात है। और यहाँ का सीनरी और व्यू बेस्ट। अगर आप लोग आते हो तारकर्ली, ये सुनामी आइलैंड वाला चीज़ करना, ऐसा मत सोचना कि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, पर ये वर्थ इट रहेगा। और ये करना, आपल्या बोटच्या डाव्या बाजूला ज्या पाण्याच्या लेवलला आपल्याला हिरव्या कलर मध्ये झोपड्या दिसत आहे, हे देवबाग तारकर्ली मध्ये चारही बाजूला पाणी आणि मध्ये बीच असलेलं सुनामी आयलंड बीच म्हणून प्रख्यात आहे, खेचून घेऊन जातात, म्हणून जिकडे तिकडे ऍक्सिडेंट घडतात। आपल्या देवबाग मध्ये आतापर्यंत जो ऍक्सिडेंट नाही त्याचं कारण असं आहे, आपला जो काय कार्यक्रम चालतो हा खाडीमध्ये चालतो। अशा रीतीने हे दिवसातून 2 वेळा बुडतंय आणि 2 वेळा ओपन होत आहे, पूर्णपणे सेफ आणि स्वच्छ बीच देवबाग तारकर्लीला सुनामी आयलंड। देखो यहाँ से ये इसको फॉलो करो माउंटेन को, ये देखो ये ऐसे और वो देखो आपको वहाँ पे एंड पे दिख रहा होगा, देखो ऐसा मुंह खुला है, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। वो देखो ऐसा लग रहा है कि क्रोकोडाइल ने माउथ ओपन करके रखा है। ये सेफ ऑफ क्रोकोडाइल माउंटेन का जो सेफ है वो एक क्रोकोडाइल की तरह है। समुद्राचं निळं पाणी त्याला मॅच होत नाही, त्यामुळे बऱ्याचशा संगम मध्ये कलर चेंज दाखवला जातो। आपल्या तारकर्ली देवबागच्या संगमला कलर, दिस इज अ सुनामी आयलैंड जहाँ पे अभी हम लोग रुकने वाले। अभी वो बोट का वो डाल दिया है अंदर, अभी हमारा बोट यहीं पे फिक्स हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर में वाटर स्पोर्ट्स वाले अभी आए नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, अभी नाश्ता वाश्ता करते और फिर वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। अब ऐसे पानी के अंदर ही हमको पूरे टाइम रहना है, और वाटर स्पोर्ट्स अभी धीरे धीरे चालू होगा, यहाँ पे आते हैं और नाश्ता करते हैं। और बाकी एकदम अलग ही वो आ रहा है यहाँ पे चलने के लिए, दिस इज मस्ट ड्राइव। ये हम लोग की बोट अभी यहीं पे ऐसे रख देंगे। वाटर स्पोर्ट कर रहे हैं वो है काया किंग। तो हम लोग ने ऐसा 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो हमने 2 बोट लिया है 4 जन के लिए, तो मज़ा आएगा, लेट्स गो। सीधा मिलते हैं बोट के अंदर। हम लोग बैठ गए हमारे काया किंग बोट में, देखो अनुज आगे बैठा मैं बैठा हूँ। और गाइस काया किंग इज द बेस्ट, मतलब इतना अच्छा लग रहा है काया किंग करने, इट इज़ अ मस्ट ट्राई डन। मतलब आज तक सिर्फ देखा था टीवी में, मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे, करना है। When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. So kayaking ho jane ke baad abhi hum next karne wale hai banana ride. So let's go. We are going to do banana ride. थोड़ा सा चेंज, बनाना राइड के पहले हम लोग करने वाले हैं जेट्स की, क्योंकि बनाना राइड अवेलेबल नहीं था, थोड़े टाइम बाद अवेलेबल होने वाला था। तो लेट्स गो एंजॉय करो जेट्स की। अभी पप्पा भी जा रहे हैं,
पहले पापा कर रहे थे पर हमने मनवाया पापा को कि आपको भी सब करना है। पापा भी जा रहे स्पीड बोट के लिए। Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right. Bye, 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 bye. तो ये देखो हम लोग ने यहाँ पे लिया है घावन चटनी। कोंकण में आएंगे तो घावन चटनी खाओ। घावन चटनी खा। घावन चटनी खा। घावन चटनी खाएला विसरू नका। यस। घावने आणि चटनी। ऐसा व्यू देखो। घावन चटनी। खा लेना आओगे तो। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं हम पानी के अंदर पैर। यहाँ का नाश्ता करने में अलग ही मजा है। यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स हो जाने के बाद पैरासीलिंग हमको यहाँ पे नहीं मिला है क्योंकि वो से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। अभी बोट से उस तरफ जाना है। वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करके आने के बाद का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया मेरे को। और मेरे को मैं पापा को बोल रहा था कि आप भी करो पर रिटर्न नहीं किया। अच्छी में पापा तो आराम से कर लेते और ऋषि और अनुज मेरे को लग रहा है कि ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा मुश्किल है पर ठीक है। फिलहाल तो मैंने किया और बहुत ही मज़ा आया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई कैसा वाटला? छान वाटलं पण बाबा घाबरवलंच ना। घाबरणं म्हणजे माझे पाय पण बाहेर पडलं होतं। मम्मी तो अभी मैं रूम वापस करके स्पॉट पे आया हूं स्विमिंग पूल वाले। तो कोकन सीरीज जो हमारा है उसको हम अभी एंड करने को आ चुके हैं क्योंकि आज अभी हम लोग चेकआउट हो गए। अभी खाना वाना खा रहे थे उसके बाद गाड़ी में बैठ के हम निकल जाएंगे मुंबई के लिए रिटर्न। तो देखते हैं, मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं व्लॉग करूँगा कि नहीं जाते हुए रिटर्न पर। फिलहाल के लिए तो हम ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सेइंग बाय बाय दिस ब्यूटीफुल व्यू। होप सो कि वापस कभी आए यहाँ पर तारकर्ली तो ज़रूर यहीं से होटल में रुकेंगे। ये अच्छा था होटल। बाकी स्विमिंग पूल में चला। थोड़ा सा खाने में इशू होता है क्योंकि लेट आता है खाना पर ठीक है वो हमने मैनेज कर लिया। लेते बहुत ज़्यादा मज़ा आई इस कोकन सीरीज में। आई होप आपको ये पूरी कोकन सीरीज़ पसंद आई हो और पसंद आई हो। तो सारे वीडियोस देखो, अगर आपने ये वीडियो पहले देखा है तो वो बाकी ये वीडियोस भी देखो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोग का 3 दिन का ट्रिप था, day 1, day 2, day 3 ख़त्म होता है। तो मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।